कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश हित में कोरोना महामारी की चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। इस पत्र में सवाल नहीं है, सुझाव है। सवालों पर बवाल हो समझ आता है, लेकिन अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है उस पर बवाल समझ नहीं आता है। आपको सुझाव मानने मानिए, नहीं मानने फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन बवाल क्यों? आज राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर सुझाव दिए उस पे पूरी की पूरी भाजपा, रविशंकर प्रसाद कहें, स्मृति ईरानी कहें, एक आग सी लग गई कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे कैसे दिए। अब मैं आपसे राहुल गांधी जी द्वारा लिखे गए जो सुझाव हैं वो बता रही हूँ और आप पर छोड़ रही हूँ। आप तय करिए कि वो सुझाव सही है, वो सुझाव बिल्कुल गलत है, मानने वाले नहीं है, ये अब आप पे छोड़ गई। और अगर आपको लगे कि नहीं, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी की जो चिंता है और जो महामारी में लोग आज संक्रमित हो रहे हैं, पिछले 5 दिन में 5-6 लाख लोग, पिछले 5 दिन में 5-6 लाख लोग ऊपर संक्रमित हो चुके हैं, शमशान घाट में शव जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहें वेंटिलेटर की कमी है, कहीं और नहीं मध्य प्रदेश में और गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा, मध्य प्रदेश गुजरात में भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। भावनगर सूरत इंदौर से तस्वीरें, भयानक तस्वीरें आ रही हैं कि अस्पताल के बाहर लोग सड़क पे पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, ये क्यों फेल हो रही है? टीकाकरण हो, कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर आपको कहूंगी एक बार सोचिएगा राजनीति करने की शुरुआत आखिर की किसने थी? कौन बिहार के चुनावों में जाकर अपने घोषणा पत्र में चुनाव जीतने के बाद बिहार के लोगों को, सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन का वायदा करके आया था? और अगर वायदा खिलाफी हो रही है तो बिहार के लोग अगर बोले तो वो राजनीति कैसी है? राजनीति तो उन्होंने की जिन्होंने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बिहार के लोगों को, सभी को मुफ्त वैक्सीन का वायदा किया था, राजनीति तो वो थी। अब राहुल गांधी जी के सुझाव आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी जी का पहला सुझाव जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया है, आप तय करिए सही है या गलत है। सही हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि राहुल गांधी जी के जो सुझाव दिए गए हैं उससे मानने के लिए केंद्र की सरकार को मजबूर किया जा सके। पहला सुझाव, अभी तक देश में 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है और 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन विदेशों को भिजवाई जा चुकी है। राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारे खुद देश में वैक्सीन टीकाकरण की कमी है, उसे देखते हुए निर्यात, बाहर भेजना, वैक्सीन देना बंद होना चाहिए। तुरंत वैक्सीन के निर्यात पर, विदेशों में एक्सपोर्ट पर बैन होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद के लिए वैक्सीन कम पड़ रही है और आप विदेशों को देश में वैक्सीन भेजकर अपनी छवि चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे किसी का भला देश में नहीं हो रहा। तो पहला कि निर्यात के ऊपर, बाहर भेजने पर रोको। नंबर दो, वैक्सीन का जो बजट है भारत सरकार का वो है 35,000 करोड़, जो वैक्सीन के लिए बहुत कम पड़ रहा है। राहुल गांधी जी का दूसरा सुझाव कि 35,000 करोड़ के वैक्सीन के जो बजट है उसे दुगना किया जाना चाहिए, लगभग 70,000 करोड़ वैक्सीन के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए ताकि भरपूर वैक्सीन और सब तक पहुंच पाए। तीसरा राहुल गांधी जी का सुझाव है कि वैक्सीन 18 साल से ऊपर सभी को लगनी चाहिए, जो लगवाना चाहता है, जो कोरोना संक्रमित हो चुका है, जो वैक्सीन का जिसमें डर नहीं है, जो आगे आकर लगाना चाहता है, उन सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए और मुफ्त लगनी चाहिए। क्यों मुफ्त की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं? आपको मालूम है पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और ऊपर से अब खाद भी महंगी कर दी गई है, हर चीज महंगी हो रही है। और अब तो महाराष्ट्र जैसे जगहों से लोगों ने पलायन दोबारा से करना शुरू कर दिया है गांव की तरफ, तो ऐसे में लोग सोचेंगे कि पैसा देकर टीका लगवाएंगे वो संभव नहीं है, इसलिए सबके लिए टीका हो 18 साल से ऊपर और मुफ्त। तीसरा, सीरम इंस्टीट्यूट जैसे संस्था जो टीका बना रही है उन्होंने लगभग हाथ खड़े किए कि हमारे पास फंड की कमी है, 3,000 करोड़ रुपए की मदद उन्होंने कहा है। और राहुल गांधी जी का भी यही कहना है कि ऐसे वैक्सीन बनने का काम रुकना नहीं चाहिए, ये बहुत चुनौती भरे समय से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में आर्थिक मदद उनकी की जानी चाहिए।
राहुल जी का अगला सुझाव कि वैक्सीन बनाना, टेस्टिंग किट बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह केंद्र सरकार ने अपने हाथों में रखा हुआ है। राज्य सरकारों के अधीन ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो कितनी वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, किससे खरीदना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को कब कब कैसे लगाना चाहते हैं। परचेजिंग से लेकर उसके रख रखाव, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार राज्य सरकारों को ऊपर पूरी तरह होना चाहिए, जो केंद्र ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि वही खरीदेंगे और किसको कितनी देनी है और क्या नियम कानून होंगे, वो सब केंद्र तय कर रहा है, जिससे राज्यों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि आपदा में अवसर खोजिए और अब कह रहे हैं आपदा में उत्सव मनाइए। 700-800 लोग मौत की कागार पे खड़े हैं, रोज आना 1,27,000 से ऊपर लोग रोज कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है ये उत्सव की तरह लीजिए और टीका वैक्सीन उत्सव मनाइए, टीका उत्सव मंगाइए, यानी कि हर चीज को देश के प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील होके एक उत्सव मनाने के तरह पर, कोरोना महामारी थी पिछले साल याद है, आज के समय 9 अप्रैल को 2020 को कुछ हजार मामले थे और संपूर्ण भारत लॉकडाउन कर दिया, ताली और थाली पिटवाई और आज दूसरी लहर उससे भी ज्यादा चिंता पैदा करने वाली। कोरोना वैक्सीन के नाम पर उत्तर प्रदेश के शामली में 3 बुजुर्ग महिलाओं का इंटरव्यू सामने आया है हर टीवी चैनल पर कि उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंटी रेबीज, कुत्ता काटता है तो उसका इंजेक्शन लगता है, उन्हें बताया गया कि कोरोना का है पर बाद में डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में बताया कि कोरोना नहीं, तुम्हें तो रेबीज का लगा दिया गया है और उन्हें तो कुत्ता काटा भी नहीं। तो इस तरीके का काम जो है वो किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि जो सबसे कोरोना से प्रभावित लोग हुए हैं, बहुत निचले निम्न स्तर के गरीबी रेखा वाले हैं, जो सबसे ज्यादा रोजी रोटी पर जिनकी मार हुई है, उन्हें आर्थिक मदद जो है वो की जानी चाहिए। मुझे नहीं मालूम अब इन सुझावों में आपको कहां राजनीति दिखती है, मुझे नहीं मालूम, और ये सवाल नहीं है, ये सुझाव है। आपको मानना है प्रधानमंत्री जी, मानिए, नहीं मानना मत मानिए। मास्क और 2 गज की दूरी है जरूरी। और आज बंगाल में जेपी नड्डा जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, और अब तो आईपीएल का मैच लोग दिखा रहे हैं कि उनके बेटे भी जहां पर बैठे हुए हैं, बीसीसीआई जिनकी कमाइयां जो है अदानी अंबानी के बाद वही तीसरे हैं जिनकी कमाइयां 50% बढ़ी है, लोग बेरोजगार हो गए लेकिन इनकी कमाइयां 50% हुई है आईपीएल के मैच में, जय शाह के मुंह पे भी मास्क नहीं है। सो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ राहुल गांधी जी के इन सुझावों को लेकर, और अन्य वैक्सीन इस्तेमाल करने की जो हमारी अनुमति है, जो और वैक्सीन बना रहे हैं, दवाएं बना रहे हैं, उनको अनुमति नहीं भारत सरकार दे रही है, राहुल गांधी जी ने कहा है। भाजपा ने पलटवार किया है कि लॉबी कर रहे हैं राहुल गांधी जी वैक्सीन कंपनियों को और टीका बढ़ाने के लिए, हद तक पहुंचे उस चीज के लिए जो पैरवी कर रहे हैं, उनका कहना है भाजपा के नेताओं का कि राहुल गांधी लॉबी कर रहे हैं वैक्सीन कंपनियों के लिए। राहुल गांधी जी ने तो किसी कंपनी का नाम ही नहीं लिया और ना अपने लेटर में कहीं पे भी ना कंपनी का नाम है ना विदेश फॉरेन शब्द का इस्तेमाल है। तो भाजपा ने कैसे मान लिया कि राहुल गांधी जी किसी विदेशी कंपनी का ही नाम ले रहे हैं और लॉबी कर रहे हैं उसके लिए और उनसे कमीशन खा रहे हैं? कमीशन किसने खाया ये तो आज कांग्रेस प्रवक्ता श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस वार्ता में राफाल की दलाली, रक्षा मंत्रालय के खुफिया कागजात जिसमें पूरे सौदे का मसौदा था, वो ईडी की रेड में एक दलाल के यहां पर मिले हैं, जिस दलाल ने राफाल की डील में 1 मिलियन पाउंड की दलाली खाई है। उसके घर में जब रेड पड़ती है तो उसके घर से रक्षा मंत्रालय के खुफिया दस्तावेज प्राप्त होते हैं और ये हमें कहते हैं सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, जब चाहते हैं ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर का करिए इस्तेमाल, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन शर्म करिए, देश मौत की कागार पे खड़ा है, आपके खुद राज्य आपको हकीकत और आईना दिखा रहे हैं, लोग मौत की कागार पे पहुंच चुके हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। और राहुल गांधी जी ने सही कहा है, मात्र 3 महीने में जो वैक्सीन आप अभी और कह रहे हैं कि 2 करोड़ बच्ची 2 करोड़ और आएंगी,
उसके एक हफ्ते के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, और अगले 3 महीने में भी जिस रफ्तार से आज वैक्सीन लग रही है उस हिसाब से पूरे देश की 135 करोड़ की आबादी में आप देखेंगे मात्र 1% आबादी को ही वैक्सीन लगा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपनी व्यक्तिगत छवि, अपना चेहरा चमकाने के लिए धर्मात्मा बन के अपने लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके हमारे हाथ काट के वो विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी जी ने हाथ जोड़कर अपील की है कि अपनी जिंदगियों लोगों की जो है वो मुश्किल में है और आप ये मत करिए। अब ये सुझाव राहुल गांधी जी के सुझाव आपके सामने रखे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सुझाव देश हित में है, इस समय की मांग है, राजनीति से ऊपर उठ के देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन सुझावों के ऊपर अमल करना चाहिए, मानना चाहिए। उड़ीसा में 700 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए, मानने को तैयार ही नहीं कि कहीं कोई वैक्सीन सेंटर बंद हुआ है। मांग जितनी की उड़ीसा ने, उस मांग से सेंटर खोल दिए, इस उम्मीद से कि आएंगे वैक्सीन आए नहीं, 700 सेंटर पे ताला लग गया। और बहुत से राज्य जो है मांग रहे हैं वैक्सीन, लेकिन आप जितनी मांग है उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो जवाब आप ही दे सकते हैं। जवाब राहुल गांधी जी से मांगा जाता है, देश को बताना चाहती हूं वैक्सीन कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में नहीं बन रही है, पीएमओ 24 अकबर रोड से नहीं चलता है, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वैक्सीन को लेकर क्या नीति हो, क्या उसका उसको लागू कैसे किया जाए, ये सब 24 अकबर रोड से नहीं पीएमओ से तय होता है। तो सवाल पीएमओ से करने की बजाय श्री राहुल गांधी जी से जो मीडिया के लोग कर रहे हैं, मैं कहूंगी थोड़ी सी शर्म करिए, थोड़ी सी शर्म करिए। एक टीवी की चैनल से अभी आई हूँ, डिबेट 10 बजे लाइव करेंगे, चैनल का नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन 10 बजे राहुल गांधी जी के सुझाव पर चर्चा थी। जब सुझाव पड़े तो एंकर भाजपा की एंकर के तौर पर काम कर रही थी छटपटा गई और कहने लगी कि मैं राहुल चालीसा पढ़ रही हूँ, मैं तो राहुल गांधी जी के द्वारा देश हित में दिए गए प्रधानमंत्री जी को सुझाव पढ़ रही हूँ, मिर्ची क्यों लगती है गोदी मीडिया के इन एंकर को जो ने कहा कि मैं राहुल चालीसा पढ़ रही हूँ, देश को पैनिक कर रहे हैं, देश को डरा रहे हैं। हम कौन डरा रहा है, डरी तो देश की भाजपा की सरकार हुई है, क्योंकि हर मोर्चे पर वो फेल हो गई है, जवाब देने को है नहीं, इसलिए व्यक्तिगत हमले कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी पर करके अगर उन्हें कोई लाभ होता है तो आप लाभ उठा लीजिए, पर देश का नुकसान कांग्रेस और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी होने नहीं देंगे, इसीलिए वो सुझाव देश हित में देते रहेंगे। आपको मानना है मानिए, आपको कूड़े की टोकरी में डालना है वहां डालिए, लेकिन आपकी इस राजनीति का शिकार हम महाराष्ट्र के खासतौर से लोगों को होने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा मार अगर किसी को इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा मौतें मैं कहूँ, सबसे ज्यादा संक्रमण के मैं कहूँ, सबसे ज्यादा राजनीति का शिकार जो है वो महाराष्ट्र के लोग हो गए हैं। कांग्रेस उसकी आवाज बनकर हर चैनल पे लड़ रही है, और धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो बिहार के लोगों के साथ हुआ है। ये सवाल बिहार के लोगों को पूछना है कि जब नवंबर में चुनाव थे, अक्टूबर नवंबर में, तो घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन और सबको वैक्सीन देने का वायदा था, ये बिहार के साथ धोखा है। बिहार के लोग अगर थोड़ी हिम्मत जुटाएं तो अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री जी से और निर्मला सीतारमन जी से खासतौर से पूछ सकते हैं कि आप आई थी बिहार के घोषणा पत्र भाजपा का पढ़ के गई थी, वो धोखा हमारे साथ हो रहा है और अन्याय महाराष्ट्र के साथ हो रहा है, और जहां डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश गुजरात हाल बद से बदतर है, उत्तर प्रदेश में तो एंटी रेबीज के इंजेक्शन को कोरोना का इंजेक्शन बताकर लगाया जा रहा है। सारी सच्चाई हकीकत आपके सामने है, हाथ जोड़कर आपसे वापस निवेदन करती हूँ, मास्क लगाइए, हाथ को धोते रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से मत निकलिए, हो सके तो टेस्टिंग कराइए, उपलब्ध हो तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। मात्र ये 5 काम हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी जिंदगियों को बचा सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलतफहमी आपको हो तो एक बार नजारा हूं अस्पतालों का, मॉर्चरीज का, शमशान घाट की तरफ देख लीजिएगा। अगर आप खुद को वहां नहीं देखना चाहते तो हाथ जुड़ के निवेदन है, अपने लिए नहीं तो देश जिस आपदा में फंस चुका है उससे निकालने में एक मदद के लिए ये सब कीजिए। आप मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और राहुल गांधी जी के जो सुझाव भारत की मोदी केंद्र की मोदी सरकार को दिए गए, अगर आपको लगे बिल्कुल ठीक है,
ये सुझावों पर अमल होना बेहद जरूरी है देश हित में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।